नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सुर्खियां अखबार की में आप सभी का स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में हम आपको वो तमाम खबरें बताते हैं जिन्हें प्रमुख अखबारों ने सुर्खियों में छापा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ओलंपिक्स की खबर से। पेरिस में मंगल हो रहा है, विनेश का पदक पक्का, नीरज फाइनल में पहुंच गए हैं। तो दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। भारत के लिए पेरिस ओलंपिक में 11वां दिन मिले जुले नतीजे लेकर आया। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण जीतकर इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा ने फैंस को निराश नहीं किया है। कुश्ती के मैट पर विनेश फोगाट ने असाधारण प्रदर्शन किया और पेरिस ओलंपिक्स में भारत की एक और स्वर्ण की उम्मीदों को जगा दिया है। विनेश फोगाट ने इतिहास रच दिया है, ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला पहलवान बन गई हैं। तो अगर आप दैनिक जागरण के इस अखबार को देखेंगे तो जो स्पोर्ट्स सेक्शन है सबसे टॉप पर और बहुत ही बड़े हेडलाइंस के साथ में इसे जगह दी गई है। ओलंपिक से दक्षिण अमेरिकी चैंपियन तक विनेश के आगे पूरी तरीके से चित नजर आए हैं, क्योंकि खासतौर पे आपने ये देखा होगा कि जापान की जो एथलीट रही, जो रेसलर रही, जबकि ये कहा जा रहा है कि ऐसे कई मुकाबले हैं जो वो कभी भी नहीं हारी, लेकिन इस बीच में विनेश फोगाट ने उन्हें हराने का काम किया और इस खबर को हर एक अखबार ने तरजीह दी है। इस खबर को पृष्ठ पन्ने पर भी जगह दी गई है और साथ ही ये भी बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से भारत का नाम अब गर्व के साथ ऊंचा कर रही है और पहली महिला रेसलर बन चुकी है जो कि फाइनल्स तक पहुंची है। बिल्कुल, देखिए कुश्ती में महिलाओं की 50 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में क्यूबा की लोपेज गुजमान को 5-0 से हराया। पहले राउंड तक विनेश 1-0 से आगे थी। वहीं नीरज चोपड़ा की बात कर लें तो इस बार भी उन्होंने अपने फैंस को निराश नहीं किया है, यानी उम्मीदें अभी भी हैं, क्योंकि पहले उसमें अगर थ्रो की बात कर लें तो 89.34 मीटर भाला फेंका है जिसके बाद सीधा फाइनल में पहुँच गए हैं। वहीं जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं उससे सीधा मुकाबला माना जा रहा है क्योंकि 86 मीटर तक का जो भाला है वो पाकिस्तानी प्लेयर की ओर से फेंका गया है। अब ऐसे में अब ये मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो गया है और ऐसे में जो उम्मीदें हैं नीरज चोपड़ा से वो एक बार फिर से सभी की है और ये माना जा रहा है कि विनेश फोगाट, नीरज चोपड़ा इस बार दोनों ही गोल्ड लेकर आने वाले हैं। तो बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं उम्मीदें जरूर गोल्ड पदक के लिए, क्योंकि अब तक भारत के नाम सिल्वर और गोल्ड मेडल नहीं आ पाया है। लेकिन एक और जहां विनेश फोगाट फाइनल्स में पहुंची है तो वहीं नीरज चोपड़ा ने भी पहले ही थ्रो के साथ में अपना कमाल का प्रदर्शन दिखाया मैच में और साथ ही साथ उन्होंने जब मीडिया से भी बातचीत की तो उनका ये स्टेटमेंट था कि अब समय आ गया है और इसके लिए उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत की है ये तो समय बताएगा। हालांकि उनकी निगाहें पूरी तरीके से इस वक्त गोल्ड मेडल की ओर है और लगातार वो उसके लिए प्रयास कर रहे थे और जब उन्होंने पहले मैच में क्वालिफाई किया तो सबसे टॉप पर नीरज चोपड़ा का नाम रहा और ऐसे ही कुश्ती में शानदार प्रदर्शन दिखाया है विनेश फोगाट ने। तो दोनों खिलाड़ियों से इस वक्त भारत को बहुत ज़्यादा उम्मीदें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं सुरभि। तो बांग्लादेश से एक खबर है, दरअसल बांग्लादेश में अराजकता और हिंदुओं के मंदिरों पर भी किस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच अब ये भी खबर मिली है कि बांग्लादेश की कमान यूनुस संभालेंगे। इस खबर को भी अलग अलग अखबारों ने जगह दी है। बांग्लादेश में संकट अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि बांग्लादेश में जिस तरीके से संकट गहराया हुआ नजर आता है, ऐसे में अभी भी ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना के इस्तीफे के बाद से सेना ने जहां देश की कमान संभाली थी तो लेकिन वहां अब अल्पसंख्यकों के लिए मुसीबत पैदा हो गई है। जो अल्पसंख्यक अभी भी बांग्लादेश में फंसे हुए हैं उन पर लगातार अराजक तत्वों की तरफ से अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें उस अत्याचार का शिकार बनाया जा रहा है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों पर प्रहार किया जा रहा है, उनके घर और मंदिरों को आग के हवाले किया जा रहा है। तो ऐसी बहुत ज़्यादा विचलित करने वाली तस्वीरें आपने बांग्लादेश से देखी होंगी कि किस तरीके से वहाँ अल्पसंख्यकों के साथ में लगातार ऐसे दुराचार और दुर्व्यवहार के तस्वीरें और घटनाएँ अब तक सामने आई हैं।
बिल्कुल देखिए, अलग अलग खबरें जो हैं वो बांग्लादेश से लगातार सामने आ रही हैं और ऐसे में बांग्लादेश में भारतीय फंसे हुए हैं और जो हमले लगातार किए जा रहे हैं उन पर चिंता व्यक्त की गई है। कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में इस पर भारत सरकार का जो रुख है वो भी स्पष्ट किया और बताया कि किस तरह से भारत सरकार जो है वो लगातार संपर्क में है। सबसे अहम चीज है यहाँ पर सुरभि, ये सोचने वाली बात होगी कि शेख हसीना को जिस तरह से पना दी गई है भारत में, ऐसे में आने वाली जो सरकार है बांग्लादेश में उससे हमारे संबंध कैसे हैं या फिर कैसे रहेंगे, क्योंकि ये एक चुनौती रहने वाली है। क्योंकि जिस शेख हसीना का विरोध वहां पर इतनी भारी संख्या में किया गया उसे भारत में पनाह दी गई है और ये एक हिसाब से अगर हम देखें तो आप समझिए कि शेख हसीना जिनके पास तमाम ऑप्शंस थे, तमाम मुस्लिम राष्ट्र थे, वो भारत में खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। हालांकि कई देशों से उन्होंने संपर्क साधने की कोशिश की लेकिन उन देशों की ओर से उन्हें हरी झंडी नहीं मिली वापस वहां पर पहुंचने के लिए। इस बीच संभावना ये भी है कि रूस का रुख कर सकती हैं, पहले कहा जा रहा था लंदन जाएंगी, ब्रिटेन की खबरें भी आई थी, इंग्लैंड की खबरें भी आई थी लेकिन वहां से हरी झंडी नहीं मिली। अब ऐसे में क्या अगला रुख होगा और क्या आज भारत में रहेंगी या फिर आज भारत से उड़ान भर सकती हैं, दूसरे देश वो जा सकती हैं, इस पर सभी की निगाहें हैं। और इस बीच चिंता का विषय ये भी बना हुआ है कि लगातार वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। सबसे बड़े इस्कॉन टेम्पल में आगजनी कर दी गई, जो देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं उन्हें नष्ट किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश में इस वक्त स्थिति बेहद चिंतापूर्ण। बिल्कुल, जैसे हालात इन दिनों बांग्लादेश के नजर आ रहे हैं ऐसे में कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि चारुल, हमने ये भी देखा कि राहुल गांधी ने भी सर्वदलीय बैठक में इस बात का को लेकर के मुद्दा भी उठाया था और ये सवाल पूछा था कि अगर अब जब तख्तापलट हो रहा है बांग्लादेश में, जो नई सरकार का निर्माण हो रहा है, ऐसे में भारत के पास और क्या कुछ रणनीतियां तैयार हैं, पहले से क्या कुछ योजनाएं तैयार हैं, कैसे उस सरकार के साथ में और आगे कदम से कदम मिलाकर के चलने की कोशिश की जाएगी। तो अभी भी कहीं ना कहीं रणनीतिक तौर पर भी हमें मजबूती के साथ खड़े होने की जरूरत है। बिल्कुल, नई सरकार से संबंध कैसे होंगे ये सोचने वाली बात होगी क्योंकि यहाँ पर विरोध जो है वो शेख हसीना का हो रहा था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो रियल स्टेट में इंजेक्शन से वापसी हुई है और साथ ही करदाताओं को अब दरों को लेकर के चुनने के लिए विकल्प भी जारी किए जाने हैं, ये निर्मला सीतारमण की तरफ से कहा गया है। तो केंद्र सरकार ने मंगलवार को रियल स्टेट पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ यानी LTCG कर की गणना के लिए इंडेक्सेशन को हटाने के बजट प्रस्ताव पर अपना रुख नरम कर दिया है और नागरिकों को इंडेक्सेशन के साथ 20% लेवी की पुरानी व्यवस्था और 12.5% कर की नई प्रणाली के बीच चयन करने का विकल्प दिया है। सरकार ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसने 23 जुलाई 2024 से पहले संपत्ति अर्जित की, जिस दिन केंद्रीय बजट पेश किया गया था, वो दोनों व्यवस्थाओं के बीच चयन कर सकता है। तो बिल्कुल देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स में पहले ही पन्ने पर आपको एक खबर दिखाई देगी और इसमें टैक्स पेयर्स के लिए एक रेट की जो चॉइसेस तैयार की गई हैं वो टैक्स पेयर्स के लिए एक तरीके से अच्छी खबर है हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी इस पूरे मामले को लेकर के, बजट को लेकर के लगातार कई बड़े सवाल भी खड़े किए जा रहे थे कि आखिर टैक्स पेयर्स के लिए क्या खास आया है और साथ ही क्या उनके लिए किसी भी प्रकार से कोई भी चॉइसेस छोड़े गए हैं। लेकिन अब इंडेक्सेशन के तहत ही रियल स्टेट में अगर टैक्स पेयर्स जितने भी हैं उनके लिए चॉइस रखी गई है और एक सेक्शन, एक स्लैब तैयार किया गया है, उस स्लैब के तहत में वो अपना टैक्स भुगतान कर सकते हैं और इसी के लिए LTCG टैक्स रियल स्टेट पर लगाया जाना है और ये सिटीजन्स के पास ऑप्शन रहेगा कि वो ये चुन सकते हैं कि वो उन्हें पुराने रेजीम के तहत में टैक्स अप्लाई करना है या नए रेजीम के तहत में टैक्स अप्लाई करना है और इसी के लिए 12.5% तक टैक्स के लिए इंडेक्सेशन ये तैयार रखा गया है। बिल्कुल, चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वक्फ बोर्ड की। वक्फ अधिनियम के में संशोधन के लिए गरीब मुस्लिम समूह का दबाव है, ऐसा किरेन रिजिजू की ओर से कहा गया है। द हिंदू ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। तो केंद्र सरकार वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने की तैयारियां कर रही है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को बांग्लादेश
बातचीत के दौरान बताया कि गरीब मुस्लिम समूह की ओर से कानून में संशोधन की लंबे समय से मांग की जा रही थी। किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद के चालू सत्र में अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक पेश करने का निर्णय अभी भी विचाराधीन है। तो फिलहाल देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर के अब तक कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं और साथ ही अब किरेन रिजिजू की तरफ से ये कहा गया है कि एक प्रेशर फॉर्म किया गया है और कई ऐसे जो मुस्लिम्स हैं उनके तरफ से भी, हालांकि इस बात को लेकर के मुद्दा जरूर बनाया गया और उनके तरफ से कहा गया, कई ऐसे मुस्लिम दल भी हैं जिनकी तरफ से प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा गया था कि वक्फ बोर्ड के पास जो हक है, जो अधिकार है, वो उनसे छीने नहीं जाने चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के अब किरेन रिजिजू की तरफ से भी ये बयान जारी करते हुए कहा गया है कि अभी भी इस पर विचार किया जा सकता है, कितने बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि 40 संशोधनों की बात कही जा रही थी कि अगर ये नया बिल आता है तो 40 संशोधन होंगे, खास तौर पर उस नियम को बदलने की पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी जो हक अब तक वक्फ बोर्ड के पास था कि वो किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना क्लेम कर सकता है। बिल्कुल, 2013 में दरअसल वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां हैं सुरभि ने और ज्यादा बढ़ा दिया गया था यूपीए सरकार के दौरान, और तब जो अधिकार बढ़ाए गए थे उसके बाद अब ये कहा जा रहा था कि वक्फ बोर्ड जो है वो सिर्फ अमीरों का रह गया था। ऐसे में किरेन रिजिजू का कहना है कि काफी ऐसे गरीब परिवार हैं, मुस्लिम परिवार हैं, जिनकी ओर से ये दबाव था कि वक्फ बोर्ड के जो अधिकार हैं उन्हें सीमित किया जाए या उसमें संशोधन किया जाए, और इसीलिए केंद्र सरकार ने जब बैठक की तो उसमें ये तय किया गया कि लगभग 40 संशोधन करने बाकी हैं। और देखिए, ये भी कहा जाता था कि जो रिपोर्ट्स सामने आई थी वक्फ बोर्ड को लेकर, उसमें केरल में कई ऐसे गांव थे जहां पर वक्फ बोर्ड ने जो कहा गया कि हिंदुओं की जमीन पर अपना अधिकार जताया और फिर उनके सामने ये प्रस्ताव रखा गया था कि या तो आप धर्मांतरण करें या फिर ये जमीन दे दें, जिस वजह से मजबूर होकर उन लोगों ने धर्मांतरण किया था। ऐसी जब रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रही थी और इसके अलावा वक्फ बोर्ड के पास ये इजाजत थी, ये शक्ति थी, अधिकार था कि वो जिस भी जमीन पर अपना अधिकार दे देंगे या फिर ये कह देंगे कि वो जमीन हमारी है, तो फिर वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी और आप इसके अगेंस्ट कोर्ट भी नहीं जा सकते थे। ऐसे तमाम अधिकार थे जिन्हें सीमित करने की जरूरत थी, जिसमें संशोधन की जरूरत थी, और इसीलिए वक्फ बोर्ड इस वक्त चर्चाओं में भी है और इसीलिए उस पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं और कैबिनेट बैठक भी हो रही है। सुरभि, हालांकि अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि कैसे स्वस्थ जीवन पर जीएसटी हटाने की मांग भी की जा रही है और विपक्ष का इसको लेकर प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि स्वस्थ जीवन बीमा पर जीएसटी हटाने की मांग की गई, जिसको लेकर के विपक्ष प्रदर्शन लगातार कर रहा है और संसद भवन के बाहर विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस के विभिन्न घटक दलों के नेताओं ने प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन का उद्देश्य मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियर पर लगाए गए वस्तु और सेवा कर जीएसटी को वापस लेने की मांग करना था। लेकिन इन नेताओं ने मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस पर से 18% जीएसटी को वापस लेने की मांग करते हुए मंगलवार को संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद भवन में मकर द्वार के सामने प्रदर्शन किया और उन्होंने हाथों में तख्तियां ली हुई थी जिन पर स्वास्थ्य बीमा एवं जीवन बीमा से जीएसटी खत्म करने की मांग लिखी हुई थी। तो फिलहाल देखिए, लगातार विपक्षी दलों की तरफ से इस बात को लेकर के मांग की जा रही है, इसके खिलाफ विरोध भी जाहिर किया जा रहा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। एमसीडी को भंग कर देना चाहिए। गाजीपुर में हुई मौत के बाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गाजीपुर इलाके में एक महिला और उसके बेटे की नाले में गिरने से हुई मौत के मामले में नगर निगम को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि ये किसी के उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पा रहा है।
तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें, दरअसल एमसीडी को डिसॉल्व करने का जिक्र अब सामने आया है। हाई कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया कि जिस तरीके से अब तक गाजीपुर में जो ये मामला पूरा सामने आया था, गाजीपुर इलाके में एक महिला और उसके बेटे के नाले में गिरने की वजह से मौत हुई थी, और इसके बाद से नगर निगम को कड़ी फटकार हाई कोर्ट ने लगाई है। और इसी मामले में अब ये भी कहा गया है कि एमसीडी को इसी के तहत भंग कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी के उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने चेतावनी दी कि वो वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित करना शुरू कर देगी, क्योंकि नगर निगम प्रशासन एक आरामदायक क्लब बन चुका है। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज़ है कि एमसीडी में लंबे वक्त से बीजेपी का शासन था, 15 साल का शासन था, जिसके बाद इस वक्त आम आदमी पार्टी काबिज है, और एक बहुत अच्छा मार्जिन मिला था एमसीडी में आम आदमी पार्टी को। लेकिन ऐसे में ज़रा सी लापरवाही जो हम देखने को मिल रही है, जिसमें इंसान की जान जा रही है, लोगों की जान जा रही है, एक महिला और उसके बच्चे की नाले में गिरने से मौत हो जाती है, तो ऐसे में आप समझिए कि कितना बड़ा ये मुद्दा बन जाता है कि कोर्ट को ये कहना पड़ता है कि क्या एमसीडी को भंग कर दिया जाए, ये कहा जा रहा है कोर्ट की ओर से। और उनका साफ तौर पर कहना है कि दरअसल एक आरामदायक केबिन बना दिया गया है एमसीडी को, वहां पर काम नहीं हो रहा, और ऐसी छोटी छोटी लापरवाही जो है ये देश में कब तक चलती रहेंगी। सीवेज प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है सीवेज का, यहाँ तक कि वाटर लॉगिंग की समस्या है, इस वजह से हम देखते हैं कि कोचिंग संस्थान में पानी भर जाता है, 3 स्टूडेंट्स की मौत हो जाती है, नाले की सफाई ढंग से नहीं होती है, स्थिति सही नहीं है, इसमें हम ये देखते हैं कि नाले में गिरकर एक महिला और उसके बच्चे की मौत हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें जब लगातार सामने आती हैं, हैरान करने वाली बात यह है कि देश की राजधानी की ये स्थिति है, वो राजधानी जहाँ पर देश के लिए कानून बनते हैं, वहाँ पर अगर इस तरह की घटनाएँ सामने आएंगी तो लगातार सवाल भी उठेंगे। और ऐसे में हाई कोर्ट की ओर से यह स्पष्ट तौर पर कहा गया कि क्या एमसीडी को भंग कर देना चाहिए। तो बिल्कुल, देखिए लगातार इस पूरे मामले को लेकर के अब हाई कोर्ट ने प्रतिक्रिया दी है और कड़ी फटकार भी लगाई गई है हाई कोर्ट की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं, केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी ने तिहाड़ के बाहर प्रदर्शन किया। दैनिक भास्कर ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है, और तो दिल्ली बीजेपी ने मंगलवार को तिहाड़ जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन कर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में मंगलवार को यानी 6 अगस्त के दिन दोपहर के समय में ये विरोध प्रदर्शन किया गया था, और इसमें कई दिग्गज नेता भी एक साथ नजर आए थे। इनमें दिल्ली नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष सरदार राजा इकबाल सिंह और उपनेता जय भगवान यादव और अन्य नेताओं के अलावा बीजेपी के निगम पार्षदों और वरिष्ठ पदाधिकारियों समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। हालांकि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसे प्रदर्शन किए जाते रहे हैं, और तिहाड़ जेल के गेट के बाहर बैठ करके जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जाता रहा है, ये मांग की जाती रही है कि अरविंद केजरीवाल को रिहा किया जाना चाहिए, और अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए लगातार प्रयास इस वक्त किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी अलग अलग तरीके से अपना विरोध जाहिर कर रही है गिरफ्तारी को लेकर के, और कई सवाल भी आम आदमी पार्टी अब तक खड़े कर चुकी है कि आखिर इतना लंबा समय बीतने के बाद भी अब तक ईडी ने कोई पुख्ता सबूत क्यों नहीं दिए। सीबीआई की तरफ से भी इस मामले में जाँच की गई, लेकिन इस मामले में भी अभी तक कोई सबूत अब तक स्पष्ट तौर पर सामने किसी के नहीं आ पाया है। तो ऐसे में आखिर कब तक अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे रखा जाएगा। बिल्कुल, देखिए बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है, और बीजेपी का कहना है कि एक मुख्यमंत्री जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप है, जो कि लगातार लंबे समय से जेल में है, आखिर वो जेल में क्यों है, और क्या सरकार जेल से ही चलाई जाएगी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार जेल से चला लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने रहेंगे। तो फिलहाल सुर्खियां अखबार की में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सुर्खियां अखबार की में, रुक करते हैं खबरों का। संजय सिंह ने कहा कि केंद्र ने दरअसल आम आदमी पार्टी को सर्वदलीय बैठक में ना बुलाकर शुद्र मानसिकता दिखाई है, इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है। आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाए जाने के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, और बैठक से पार्टी को बाहर रखने की केंद्र की आलोचना की, और इसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा पर
शुद्र मानसिकता करार दिया। राष्ट्रीय पार्टी की अनदेखी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निंदा करते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा पक्षपातपूर्ण प्राथमिकताओं से परे है। जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला होता है तो ये इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि प्रधानमंत्री किस पार्टी से खुश है या फिर ना खुश है। तो फिलहाल देखिए, इस मामले में भी लगातार अभी भी अपोजिशंस की तरफ से कई बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और अब इस मामले में हालांकि अब तक क्या कोई और प्रतिक्रिया भी आती है, इस बात का इंतजार करना होगा। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। कीटनाशकों की बढ़ती कीमतों के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है, यह खबर अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल ये जानकारी के लिए आपके बता दें कि किसानों की तरफ से अब कीटनाशकों की बढ़ती कीमतों के खिलाफ भी विरोध जाहिर किया जा रहा है। और अब किसानों ने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की है। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार इस फैसले को तुरंत ही वापस ले, साथ ही किसानों के हितों के सम्मान पर सब्सिडी, कर्ज माफी, न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित अन्य मांगे भी रखी गई हैं। किसानों ने मांगें पूरी करने के लिए केंद्र सरकार को एक महीने तक का समय दिया है। मंगलवार को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में मीडिया से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषपाल ने कहा कि एक दवा जो पहले 450 रुपए तक आती थी, उसकी कीमत बढ़ाकर करीब 1300 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा दूसरी दवाओं की कीमत बढ़ गई है। हमारी मांग है कि इसे तुरंत वापस लिया जाए। और देखिए, सरकार पर कहीं ना कहीं किसानों का दबाव जो है वो भी देखने को मिल रहा है, और इसीलिए एक महीने का समय दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रात भर धरने के बाद राजस्थान कांग्रेस विधायक 6 महीने के लिए निलंबित हो गए हैं। द हिंदू ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को मंगलवार को राजस्थान विधानसभा से 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। विपक्षी विधायकों ने सदन के वेल में रात भर धरना दिया। कांग्रेस विधायकों ने सोमवार को मार्शल्स को भाकर को बाहर निकालने से रोका था, जिन्हें शुरू में विधानसभा के बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। श्री भाकर डीडवाना कुचामन जिले के विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसी के साथ फिलहाल सुर्खियां अखबार की मैं आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।